आप सबका। ये बहुत अच्छी बात है। नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि फिल्म अवार्ड्स होते हैं जहाँ पर यू नो एक्टर्स एक्ट्रेसेस टेक्निकल जो क्रू है कैमरामैन वगैरह को अवार्ड्स देने के लिए नॉर्मली अवार्ड्स होते हैं, लेकिन रेडियो मिर्ची म्यूज़िक अवार्ड्स, ये म्यूज़िक के तरफ फोकस किया गया है। और ये हम लोग एक ये ऐसा एक अवसर है जहाँ हम लोग सब मिलने के लिए बहुत बेताबी से इंतज़ार करते हैं साल भर, क्योंकि पूरा जो म्यूज़िक फ्रेटर्निटी है वो बहुत ही खूबसूरत एक फ्रेटर्निटी है। और हम लोग सब साथ मिलते हैं, लिरिसिस्ट होते हैं, सिंगर्स होते हैं, म्यूज़िक कंपोजर्स होते हैं, अरेंजर्स होते हैं, म्यूजिशंस होते हैं जिन्होंने बजाया है, तो ये सब मिलके एक यू नो इट इज़ अ वंडरफुल इवनिंग दैट वी स्पेंड टुगेदर। बहुत अच्छा अच्छा म्यूज़िक सुनने को मिलता है, और ना केवल फिल्म म्यूज़िक बल्कि क्लासिकल म्यूज़िक, सेमी क्लासिकल म्यूज़िक, भजन हो, भावगीत हो, मराठी म्यूज़िक हो, सबको सबके लिए कैटेगरीज हैं, अलग 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 किस्म की कैटेगरीज हैं जिनको अवार्ड्स मिलते हैं, जिनको रिकग्निशन मिलता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये अवार्ड्स में ऐसे लोगों को भी ऑनर किया जाता है जो अनसंग हीरोज़ हैं, जैसे कि म्यूजिशियंस जिन्होंने सालों साल ऐसे ऐसे गानों में बजाया है, ऐसे ऐसे म्यूज़िक डायरेक्टर्स लोगों के साथ काम किया है राइट फ्रॉम द 1960s टू 70s, लेकिन उनका नाम कभी किसी को समझ में नहीं आया कि कौन है ये। मे बी इट्स अ सारंगी प्लेयर, मे बी इट्स अ सितार प्लेयर, या कोई अरेंजर हो, या कोई कंडक्टर हो। तो ऐसे लोगों को भी इसमें यहाँ पर रिकग्निशन देते हैं। फिर उसके बाद फ्रॉम द अर्लियर इरा द बेस्ट एल्बम दैट यूज टू बी देयर 1950s 60s के, सो लेजेंडरी एल्बम्स को भी यहाँ पर। तो ओवरऑल देखा जाए तो इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल अवार्ड सेरेमनी विच इज़ अ 360 ग्लोबल यू नो काइंड ऑफ अप्रोच टूवर्ड्स म्यूजिक ऑफ दिस कंट्री, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी वन ऑफ द स्मॉल जूरी मेम्बर्स ऑफ दिस। अंदर आप देखेंगे तो सब दिग्गज लोग बैठे हैं जो म्यूज़िक के हर क्षेत्र से बैठे हैं, लिरिसिस्ट हैं, क्लासिकल म्यूजिशियंस हैं, फिल्मी म्यूजिशियंस हैं, म्यूज़िक कंपोजर्स हैं, गज़ल सिंगर्स हैं, सभी क्लासिकल सिंगर्स हैं। सो ऐसे सारे क्षेत्र से जो है वो जूरी है यहाँ पर, सो मिलके सब डिसाइड करते हैं। दिस इज़ अ फैबुलस फैबुलस इवेंट, एंड आई विश रेडियो मिर्ची म्यूजिक अवार्ड्स ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू जी। कैसे करें, हिंदी में बात करें, इंग्लिश में बात करें, हिंदी में? हाँ जी चल। अरे इनका अभी स्टार्ट कर। हाँ, मिर्ची म्यूजिक अवार्ड जूरी मेंबर ने क्या कुछ डिसाइड किया है 2018 के, कौन कौन से गाने हमें देखने को मिलेंगे सेलेक्टेड मिर्ची म्यूजिक अवार्ड? देखिए, जूरी मेंबर होने के नाते ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि हमने कौन से गाने सिलेक्ट किए हैं, लेकिन बहुत सारे गानों पर चर्चा हुई है। 2018 का म्यूज़िक बहुत ही लाजवाब था, उसमें सारे म्यूज़िक कंपोज़र का बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन मेरे ख़्याल से जो आउटस्टैंडिंग फिल्में हैं जिसके बारे में चर्चा हुआ है उसमें सबसे अव्वल नंबर पे राज़ी है, क्योंकि राज़ी फिल्म बहुत पसंद की गई थी। राज़ी में गुलजार साहब की सारे गाने गुलजार साहब के लिखे हुए हैं, बहुत प्यारे से गाने हैं। तो ऐसी 2-3-4 फिल्में हैं जो बिल्कुल फ्रंट रनर हैं। सर, ये कहना चाहूँगा कि आपके गजल्स बहुत फेमस रहे हैं, फिल्मों में भी रहे हैं, लेकिन आज के दौर में देखते हैं उस तरह से गजल्स सिंगिंग का वॉल्यूम जी, मतलब जी देखने को मिलता ये है। एक बहुत दुख की बात है। बिल्कुल, अभी हम लोग यही बात कर रहे थे, मेरे साथ हरिहरन जी जो कि गज़ल के गायक हैं, तलत अजीज़, सब लोग हम बैठे थे, तो हम यही बात कर रहे थे कि फिल्मों में
गज़ल का वापस आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग चाहते हैं कि उस प्रकार की मेलोडी और उस प्रकार की शायरी फिल्मों में फिर से आए। धन्यवाद। मिर्ची म्यूजिक जूरी मेंबर, क्या आपको डिसाइड किया है 2018 के कौन कौन से सॉन्ग हमें इस अवार्ड में इस शाम में देखने को मिले? इसमें बहुत सारी कैटेगरीज थी इस बार के मिर्ची म्यूजिक अवार्ड्स में, और स्पेशली पुराने 60s के फिल्मों से लेके आज तक के जो फिल्मी नॉन फिल्मी गानों की कैटेगरीज थी उसमें, जैसे कंपोजर्स, लिरिसिस्ट, सिंगर्स, सब कुछ था। तो अलग अलग कैटेगरीज थी, तो कुछ इसमें से हमने सुने हुए थे, कुछ अभी हमको नए जो थे वो अभी सुनाए। तो उसमें जो कोशिश की हमने कि जो हमें अच्छा लगा, और स्पेशली हम सब ने मतलब जो मेजोरिटी हम लोगों को ज़्यादा अच्छा लगा वो हमने चुना है आजकल। गज़ल की बात हुई कि गज़ल भी हमें देखने को मिलेंगे, हालांकि जैसे धीरे गज़ल लोग अब हमें बहुत ही कम देखने को। एक्चुअली इसमें गज़ल या इस तरह के कोई कैटेगरीज नहीं थी, मैंने कहा जैसे फिल्मी और नॉन फिल्मी ऐसी कैटेगरीज थी, और उसमें थी एक सिंगर्स और एक नई कैटेगरी, या मैं कहूँ ये भी है कि अपकमिंग कंपोजर्स, अपकमिंग लिरिसिस्ट, अपकमिंग सिंगर्स मेल फीमेल इस तरह के थे। थैंक यू। मिर्ची म्यूजिक अवार्ड सर, जूरी मेंबर सर, आपको डिसाइड किया 2018 के कौन कौन से गाने हमें सेलेक्ट? देखिए सिलेक्शन का तो गानों का बता नहीं सकते, मगर नए गानों को, नया म्यूज़िक बहुत इस साल डिफरेंट और अच्छा आया है, और इस साल ये भी ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि पुराने गाने रीमिक्सेस बहुत हुए हैं, रिक्रिएट बहुत हुए हैं, तो उनकी पहली बार हमने एक नई कैटेगरी बनाई है जिसमें जो पुराने गाने रिक्रिएटेड हुए हैं उनको भी इंक्लूड किया गया है। और जैसे 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 ट्रेंड बदल रहे हैं, रेडियो मिर्ची के अवार्ड्स भी अपडेट हो रहे हैं, बदल रहे हैं, और मुझे लगता है क्योंकि ये एक बहुत खूबसूरत जूरी है, आर्टिस्टों की जूरी है, तो ये जो अवार्ड जिन आर्टिस्टों को मिलेगा म्यूज़िक फ्रटर्निटी के, दे शुड फील वेरी प्राउड, क्योंकि ये कलाकारों की तरफ से कलाकारों को दिया जा रहा है, तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छी खूबी है इस अवार्ड की। ऐसी बातें हो रही हैं कि गज़ल जो है हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से जी गायब हो रहा है, आप बताइए। देखिए मुझे जो लग रहा है कि प्राइवेट म्यूज़िक ऊपर आ रहा है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है, जो कि पहले मिसिंग थी, और गज़ल हाँ थोड़ा कम हो गए हैं, गज़ल पहले बहुत ज़्यादा आ रहे थे, और नए आर्टिस्टों के गज़ल इतनी नहीं आ रही हैं, अगर आ रहे हैं तो हम फोकस नहीं कर पा रहे हैं उस पर। गज़ल की खूबसूरती होती है उसकी लिखावट, उसकी राइटिंग, उसकी एक उसका एक खुद का मिजाज होता है जो कि बहुत ठहराव होता है उसमें, वैसे टाइप का तो म्यूज़िक ही मेरे ख्याल से कम होते जा रहा है। मगर मैंने जो नोटिस किया इस टाइम, आइटम्स गाने बहुत बने हैं, मगर जितने नॉमिनेट हुए हैं, जो फॉरवर्ड आए हैं, वो रोमांटिक और स्लो सॉन्ग्स हैं, वेल अरेंज सॉन्ग हैं, तो जो मेलेडी है वही ऊपर आ रही है, मैंने इसमें ये देखा है। थैंक यू। अरे मनीष यार पूरा बोल चल रहा है।
I am Dharmesh Darshan. Sir, Mitchie Music Award, jaldi hame dekhne ko mil gaya. Aaj jury meeting thi, aap bataiye ki kya kuch meeting hai. Main kaun kaun se gaane select kiye? Ji, mera naam Dharmesh Darshan hai. Mujhe ऊपर वाले की बहुत मेहरबानी है कि उन्होंने मुझे हमेशा हिट म्यूज़िक दिया है, चाहे राजा हिंदुस्तानी, धड़कन, बेवफा, लुटेरे, मेला आपकी खातिर. और ये पहला म्यूज़िक अवार्ड्स जूरी है जो मैंने एक्सेप्ट किया है टाइम्स ऑफ इंडिया और रेडियो मिर्ची के लिए. और बहुत अच्छे ग्रैंड जूरी के मेम्बर्स थे, रमेश सिप्पी जी, कविता कृष्णमूर्ति, अनुराधा पौडवाल, हरिहरन जी, उदित नारायण जी, श्रवण जी, आनंद मिलन, बहुत अच्छा. इनमें से कईयों के साथ मैंने काम किया है. और अभी बहुत ज़रूरी है कि म्यूज़िक वापस उभरे, क्योंकि पिछले 6-7 साल में हमारी फिल्मों का म्यूज़िक वो नहीं रहा है. मुझे लगता है अच्छा है, सब कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो बात नहीं है. जब मैं भी आया था तो अच्छा था, हमने किया. उसके पहले जो म्यूज़िक था हमने वो नहीं किया, तो अभी तो और भी कम है. तो कोशिश करके जूरी ने सबको इनक्रेज किया है और अपनी तरफ से ये बहुत फेयर अवार्ड्स मुझे बोला गया है. तो जो सही शख्स है, जो सही कलाकार है, उनको बिना कोई भी पॉलिटिक्स के पहचानना चाहिए. और मैंने इसको हाँ इसलिए बोला है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि उनकी पहचान हो, चाहे नाम अभी तक हो या ना हो. जी, आपने भी सुना कि गज़ल की बातें हो रही हैं, कम हो रहा है हमारे गज़ल. मैंने अपनी फिल्मों में गज़ल की है बहुत. मैं एक ही डायरेक्टर हूँ जी, जिसने नुसरत फ़तेह अली खां, ग़ुलाम अली, अदनान सामी के साथ कमर्शियल फिल्मों में काम किया, लता जी, अलका, एवरीबडी. गज़ल आना चाहिए वापस. गीत, गज़ल, ठुमरी, प्राइवेट एल्बम्स, म्यूज़िक एल्बम्स, सिनेमा एल्बम्स, सब को एग्जिस्ट करना चाहिए. लेकिन भीड़ इतनी नहीं होनी चाहिए, सबको समझ आना चाहिए. मुझे इस वक्त लगता है बहुत बहुत लोग हैं, कोई 2 लाइन गा रहा है, कोई 3 लाइन लिख रहा है. इंडिविजुअल की पहचान अभी तक नहीं बन रही है. तो आइडेंटिटी होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो गज़ल हो, गीत हो, संगीत हो, या फिल्म का गाना हो, ठुमरी हो. जूरी मेंबर आप सभी हैं, तो आप कुछ अगर बताना चाहेंगे कि 2018 के कौन कौन से म्यूज़िक सेलेक्ट किए गए हैं, हमें अवार्ड में कौन कौन से देखने को मिलेंगे. बहुत सारे अच्छे जो म्यूज़िक है 2018 के, वो सेलेक्ट किए गए रेडियो मिर्ची म्यूज़िक अवार्ड्स में. अभी मैं बोल दूंगा तो आप अभी मैं बोल दूंगा तो सरप्राइज़ क्या रहेगा, क्योंकि ये जो म्यूज़िक अवार्ड है, मिर्ची अवार्ड, ये हमारा म्यूज़िक इंडस्ट्री का अवार्ड है. और ये अवार्ड हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि म्यूज़िक इंडस्ट्री के सब लोग, जो कविता जी इनका हेड ऑफ जूरी है, लेकिन हम लोग जो सब है इधर, काफ़ी अराउंड 30 to 35 म्यूज़िक इंडस्ट्री से हम लोग है, और हम लोग वोट करते हैं. और सो ये अवार्ड ऑल हर हिंदी फिल्म म्यूज़िक इंडस्ट्री के म्यूजिशियंस के लिए इम्पोर्टेंट अवार्ड है. और उस दिन ही प्लीज़ देखिएगा, क्योंकि आप अगर ये अवार्ड देखेंगे तो हर म्यूजिशियंस को इनक्रेज करना होगा. 2018 के हिट गाने आपकी जुबान से हम ज़रूर सुनना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले एक सवाल ये कि सभी आपसे पहले जो इंटरव्यू हुआ, सभी बातें कर रहे हैं कि हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में ठुमरी या फिर गज़ल की कमी हो रही है. आप बताइए कि और ऐसे ठुमरी गज़ल आनी चाहिए. अभी क्या है, हिंदी फिल्म म्यूज़िक इज़ स्क्रिप्ट बेस्ड. जो स्क्रिप्ट है
जो स्टोरी है, जो कहानी है, उसके ऊपर उसके बेसिस पे हम लोग कंपोज करते हैं। ऐसे नहीं हम लोग कुछ भी जो मन में आए कंपोज कर सकते हैं, क्योंकि एक कैरेक्टर होता है, एक फिल्म का टोन होता है, एक रियलिस्टिक होना चाहिए फिल्म में। अगर ठुमरी और गज़ल बेस्ड फिल्म हो तो ऑब्वियसली वैसा म्यूज़िक का स्कोप आएगा, चांस आएगा। अगर वैसा मूवी नहीं बने तो फिर उसका स्कोप नहीं आता है। फ्यू लाइंस आपके कोई फेवरेट 2018 का? चलिए भूमि से कीजिए जरा सर, बहुत अच्छा गाते हैं इसलिए हम सब याद आएंगे। अभी मेरे को कोई भी आपका याद नहीं फेवरेट है, इसलिए हमने आपको फ्रीडम दिया है कि आपका फेवरेट, आपके तो सारे गाने ही हिट होते हैं। नहीं, मेरा 2018 में कोई रिलीज नहीं था, लेकिन जो भी आपका फेवरेट हो। मेरा फेवरेट, आप फ्री होते हैं, बाप रे टफ है, इस साल तो फिर एल्बम वाइज लैला मजनू, मनमर्जिया और राजी आर वेरी गुड एल्बम विच आई हैव लाइक्ड। उसके सिवा इस साल एक्चुअली वैसे देखे तो 2018 विल बी कॉल्ड द ईयर ऑफ रिमिक्सेस, क्योंकि इस साल मैक्सिमम रिमिक्स बनाए। और अगर मुझे आप पूछे तो रिमिक्स में मेरा कौन सा फेवरेट है, और मतलब रिक्रिएटेड सॉन्ग्स में कौन सा फेवरेट है, तो फिर मेरा मैं बोलूँगा आँख मारे मेरा फेवरेट है। क्या बात है, अब वो बाद में बोलते हैं कलंक के बारे में। Thank you very much.